हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस विथ यू अ केस ऑफ क्रॉनिक लिवर डिसीज़, एल्कोहलिक लिवर डिसीज़ एंड ग्रॉस एसाइटिस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनुज कुमार फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अ केस ऑफ अराउंड 50 ईयर मेल पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद द कंप्लेंट्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दिस इज़ द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एज यू कैन सी this is the yellow and other thing is yellowish discoloration. So you can see there is yellowish discoloration. That means the patient is having yellowish discoloration in the abdominal wall and on the leg, both the lower leg, right and left. Also you can see there is pitting edema. How can you check the pitting edema? You will press against the bony prominence and there will be dip. सो एज़ यू कैन सी, ये जो गड्ढा पड़ गया है दिस इज़ कॉल्ड पिटिंग एंड ये जो सूजन है इसको बोलते हैं हम एडीमा। तो ये एक्सेस फ्लूड एक्यूमुलेशन के कारण है जो क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है, जिसमें हाइपोप्रोटीनेमिया या हाइपोएल्बुमिनेमिया मिलता है। इसके कारण से ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और एडीमा डेवलप हो जाता है। तो इसके राइट लेग में भी ये पिटिंग एडीमा मिल रहा है और लेफ्ट लेग में भी ये पिटिंग एडीमा मिल रहा है। तो ये दोनों लेग्स में येलो कलर है प्लस एडीमा है। एडीमा मीन्स स्वेलिंग और येलो कलर मीन्स जॉन्डिस। तो ये तो हो गई पैर की फाइंडिंग। और यहाँ पे पेट में भी आपको हो सकता है, वीडियो शूटिंग में आपको ना दिख रहा हो, पर ये काफ़ी येलो कलर है, एकदम ग्रॉसली विजिबल है। मैं अब आपको पेशेंट की आईज़ दिखाऊंगा। आप आईज़ देखिए, आप एकदम टिपिकली येलो कलर की आईज़ हैं। नॉर्मली ऐसा कलर नहीं मिलता आईज़ का। ये आप देखिए अंकल, नीचे देखिए, नीचे देखिए। हम जैसे नीचे देखने में एग्जामिन करते हैं तो ये स्क्लेरा दिख रही जो कि पूरी येलो कलर की है राइट साइड में। अंकल नीचे देखिए, ये लेफ्ट साइड की स्क्लेरा एकदम येलो दिख रही है। आप देखिए मेरे सामने, मेरी तरफ देखिए। ये पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटिक भी है, डायबिटीज़ मेलाइटस भी है एंड क्रॉनिक एल्कोहल की हिस्ट्री इनकी 20 साल की लगभग। तो मैं सिर्फ आईज़ आपको दिखा रहा हूँ, पूरा फेस नहीं दिखाऊंगा। पेशेंट का कंसेंट मैं ले चुका हूँ फॉर वीडियो। एंड ये इनका जो पेट फूला हुआ है, ये ग्रॉस एसाइटिस है। इसमें मैं आपको फ्लूड थ्रिल दिखाता हूँ कैसे लेते हैं हम। अंकल अपना पेट यहाँ पे, हाथ यहाँ पे रखिए टाइट से, भैया पकड़ लेंगे ज़रा। ये पेशेंट के हम एक हाथ को यहाँ पे रखते हैं ताकि जो हम ताकि हम जो यहाँ से, मैं यहाँ से एक अपना हाथ यहाँ पे लगाऊंगा पेट के यहाँ पर पे, और एक हाथ से यहाँ से मैं इनको ये दूंगा, इस तरीके से टेप करूँगा। तो इसके अंदर से फ्लूड की वेव्स चलते हुए अपोजिट साइड में जाएगी। और पेशेंट अपना हाथ यहाँ पे टाइट से रखिए, पेशेंट अपना हाथ यहाँ पे टाइट से रखता है तो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से फ्लूड्स की वेव्स उधर नहीं ट्रांसफर होती। टाइट से रखिए अंकल इसको। तो मैंने यहाँ पे हाथ रखा अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से यहाँ पे मैंने वो दिया, तो मुझे इस हाथ पे थ्रिल पेशेंट थ्रिल फील होगी। ये जो फ्लूड यहाँ से घूम करके जाएगा तो फ्लूड मेरे हाथ से टकराएगा यहाँ पे, तो मुझे वेव्स फील होगी। तो ये मुझे क्लियरली फील हो रही है। ये सिर्फ ग्रॉस एसाइटिस के केस में, ग्रॉस एसाइटिस मतलब कि ह्यूजली डिस्टेंडेड एब्डोमिनल है, 2 लीटर से ज़्यादा या अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर फ्लूड भरा हुआ है, तब मेरे को ये मिलती है। तो मैंने अपने राइट हैंड से टैप किया, लेफ्ट हैंड को यहाँ पे रखा, पेशेंट अपना हाथ यहाँ पे रखता है मिड लाइन ऑफ द एब्डोमिन में और ये मुझे फील होती है यहाँ पे वेव्स। तो ये फ्लूड थ्रिल पॉजिटिव था। अब हाथ हटा लीजिए अंकल जी। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग बताई मैंने आपको, एक तो आइस का येलोइश डिस्कलरेशन, आइस दिखाई अपनी आंखें, ये आइस का येलोइश डिस्कलरेशन पहली फाइंडिंग। सेकंड, ये ग्रॉस एसाइटिस है। इसमें आप देखिए कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन स्टर्नम का लोअर पॉइंट यहाँ से लेकर के अम्ब्लाइकस तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस मतलब कि अम्ब्लाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच की डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये कम है और ये ज़्यादा है, नॉर्मली दोनों बराबर होती है। तो ये ग्रॉस एसाइटिस के केस में देखने को मिलती। दूसरी चीज़ ये आप देखेंगे कि इनका अम्ब्लाइकस भी डिपिंग नहीं है, इवर्टेड है। इवर्टेड मतलब ऊपर की साइड में उठा हुआ है, पूरा अंदर दबा हुआ नहीं है। तो ये डिम्पलिंग जो है ये लॉस हो गई है इनकी। मेरे को इस पे एब्डोमिनल वॉल पे कोई डिस्टेंडेड वेन्स के मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। पहले कभी पेट का पानी निकला है क्या? नहीं। तो हालांकि इनको कोई प्रीवियस एब्डोमिनल ऐसा डिस्टेंशन की हिस्ट्री नहीं थी, ये सडनली डेवलपिंग है। और यहाँ पे मुझे कोई थोड़ा ऊपर करिए और स्पाइडर नेवाई भी नहीं दिख रहे हैं मुझे। हालांकि CLD के पेशेंट्स में आपको स्पाइडर नेवाई देखना होता है, जो कि चेस्ट पे फाइंडिंग मिलती है आपको, जो कि मुझे नहीं दिख रही है। तो हो सकता है कि बाद में डेवलप हो। स्पाइडर नेवाई में एक सेंट्रल आर्टरी होता है, उससे रेडिएटिंग ब्रांचेस होती हैं ब्लड वेसल्स की। तो एक तो मैंने आपको बता दिया ग्रॉस एब्डोमिनल डिस्टेंशन, दूसरा एम्ब्लाइकस जो है इनकी इवर्टेड है, पूरी नॉर्मल टिपिंग नहीं है, ठीक है। तीसरा
लीवर के पेशेंट्स में यूजली जो होता है एल्बुमिन कम होता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है, तो उनके अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से स्वेलिंग डेवलप होती है। अब ये आपने फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि एल्बुमिन कम होने से ऑन्कोटिक प्रेशर कम होता है और बॉडी में फ्लूड इकट्ठा होता है, स्वेलिंग इकट्ठी होती है। तो ये एडिमा है, ये पिटिंग एडिमा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का एडिमा है, काफ़ी ज़्यादा डिपिंग हो रही है ऐसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जॉन्टिस दिखा दिया और अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ नोट्स में। ये पेशेंट है ग्रॉस मैसिव एसाइटिस का, क्यूरी में मैंने डाला क्रॉनिक लिवर डिसीज़ है, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़। इस पेशेंट को कोई मेलिना हीमेटेमेसिस नहीं है। यूजुअली क्रॉनिक लिवर डिसीज़ के पेशेंट में हमको ब्लड वोमिटिंग में ब्लड या स्टूल के साथ में ब्लड देखने को मिलता, जो कि अभी तक हुआ नहीं इस पेशेंट में। तो इनको 5 डेज से लगभग या इससे ज़्यादा दिन से येलोइश डिस्कलरेशन है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है जो कि 2 दिन से ज़्यादा बढ़ गया, वैसे तो काफ़ी दिन से पर 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनकी क्रॉनिक एल्कोहल की हिस्ट्री 5 से 7 ईयर की लगभग। नॉन केस ऑफ डायबिटीज़ है जो कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स पे हैं, और हमने ट्रीटमेंट के लिए इनको फर्दर गैस्ट्रोलॉजी ओपिनियन के लिए और डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक टैपिंग के लिए, तो हमने एक तो लेसिक्स 40 दिया ताकि थोड़ा सा इनका एसाइटिस फ्लूड जो है यूरिन के थ्रू पास आउट हो। एक टैबलेट यूडिलिव 300 डाली जो कि दिन में 2 बार देना है, लिवर के पेशेंट में दी जाती है जिनमें रेज लिवर एंजाइम्स होता है, डीरेंज डेलेफ्टी होता है या कंप्रोमाइज लिवर फंक्शन होता है। तीसरा हमने लिखा है एसाइटिक टैपिंग प्लस फ्लूड एनालिसिस। हालांकि 95% केस में इसका कॉज हमें यही मिलेगा एसाइटिस का, एल्कोहल इंड्यूस्ड, तो इसमें हमको पर हम दूसरी चीज़ें भी देखते हैं कि कोई और कारण तो नहीं है एसाइटिस का। फिर इसमें हम देखते हैं ये थेरेपेटिक प्लस माइनस डायग्नोस्टिक है। दैट मीन्स थेरेपेटिक मीन्स इफ़ वी विल ड्रेन द फ्लूड, रिमूव द फ्लूड, तो पेशेंट विल बी कम्फर्टेबल एंड फील लेस डिसकम्फर्ट। एंड दिस इज डायग्नोस्टिक मीन्स हम फ्लूड निकाल के उसका एनालिसिस करेंगे, साइटोलॉजी, TLC, DLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और बायोकेमिस्ट्री, शुगर, प्रोटीन, LDH, ADA एटसेट्रा, साइटोलॉजी फॉर मेलिग्नेंट सेल्स वगैरह के लिए। अब हम इनको AMC RML बड़े हॉस्पिटल भेज रहे हैं गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी के रेफरेंस के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट केस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।